भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाई जाने की तैयारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर्स के लिए 1 जनवरी 2023 से निगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये नियम भारत पहुंचने पर सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के 2% यात्रियों के रैंडम परीक्षण के अलावा है। कुछ देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने सतर्कता बरतते हुए कोविड दिशा निर्देश को और सख्त कर दिया है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश भी दिया गया है। आपको बता दें कि इन पैसेंजर्स को यात्रा से पहले अपनी 72 घंटे पुरानी निगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इधर आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि कोरोना की एडवांस तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और फार्मा कंपनियों के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 268 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,77,915 पर पहुंच गई है। इनमें 3,552 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर अगले 40 दिन महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड 19 के मामले जनवरी में तेजी से बढ़ सकते हैं। कोरोना को लेकर एक्सपर्ट्स ने यह दावा दुनिया भर के कोरोना ट्रेंड और देश में बीती 3 लहर के ट्रेंड के हवाले से किया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।